वावणी लायक वरसादनी राह जोई रहेला राज्यना खेडूतो माटे सारा समाचार छे अने आगामी दिवसोमां चोमासुं समग्र राज्यमां पहोंची जशे तेवी आगाही हवामान विभागे करी छे। हाल गुजरातना अनेक विस्तारोमां मेघमहेर थई रही छे त्यारे सौराष्ट्रमां आगामी बे दिवसमां चोमासानी जमावट थशे अने राज्यमां 16 અને 17 જૂને સારો વરસાદ થશે। તો અમદાવાદમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને શહેરમાં થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી પણ જોવા મળશે। साउथ कोस्टल सौराष्ट्र साउथ है, बारिश कंटिन्यू रहेगा, छुटपुट बारिश, ज्यादा बारिश होने का संभावना नहीं है लेकिन बारिश रहेगा थोड़ा बहुत। अहमदाबाद में क्या स्थिति रहेगी? अहमदाबाद के आज पॉसिबिलिटी है थंडर क्लाउड डेवलपमेंट होगा, कहीं सम नॉट ऑल एरिया, कहीं सम एरिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बारिश का साथ हो सकता है। तो आ तरफ आगामी 5 દિવસ में समग्र गुजरात में मध्यम वरसाद थवानी भारतीय हवामान विभाग की आगाही है। आ वक्त चौमा में 96 થી 104% वरसाद थवानी शक्यता है। तो राज्य में वरसद ने लई हवामान विभागे आगाही करी अने कहूं कि आगामी 3 કલાક में पण मध्यम वरसाद थई शके छे। गुजरात ना केटलाक जिल्ला में वरसद की संभावना है, केटलाक जिल्ला में हलवा झापटा पड़शे। कच्छ देवभूमि द्वारका सुरेन्द्रनगर और अमदावाद में वरसाद थशे तो गांधीनगर बनासकांठा पाटण और वडोदरा में वरसाद पड़शे। 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે।